Could you please tell us something about this Shesharang Music Festival? We have been celebrating this Shesharang Festival for the last more than 10 years, and I think the people has emerged and people have connected with us in a huge manner. और ये जो एक ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहा है शशरंग, इसमें हम सिर्फ कश्मीरी म्यूज़िक और कश्मीरी आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी ओरिजिनल म्यूज़िक फॉर्म्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारा मकसद था कि कॉन्फ्रेंस का इनका आए दिन फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स तो होते रहते हैं, लेकिन मौसीकी पे बात होनी चाहिए। हम में क्या कमियां हैं, हम में क्या खूबियां हैं, इसको आगे ले जाके हमें लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रखा था कि कम्युनिटीज़ को कैसे हम कनेक्ट किए जाएं, हम आर्टिस्ट लोग हम आपस में कैसे कनेक्ट हो जाएं। तो बहुत सारी डेलीबेशंस हुई जिसमें स्कॉलर्स, एकेडमिक जर्नलिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, बहुत सारे ने अपना ये रखा पॉइंट ऑफ व्यू। उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम गौर करके एक डॉक्यूमेंट वेट करा के गवर्नमेंट को देंगे। एक म्यूज़िक तो है ही ब्रिज, यही कनेक्ट कर सकता है। जैसे आपने देखा कि अगर आपको याद हुआ, यू आर द पार्ट ऑफ दैट फेस्टिवल ऑल्सो, हमने SKICC में एक दो रोज़ा शशरंग फेस्टिवल किया था जिसमें हमने तमाम अपने पंडित भाई बहनों को बुलाया था जो कि आर्ट म्यूजिक से वाबस्ता थे। तो उनका ऐसा मानना है कि हमें आज ही घर वापसी हुई थी, तो अच्छा लगा उनके गाने सुने, उनके जो फैंस थे उनको यहाँ कनेक्ट हो गए वापस, हमको भी अच्छा लगा, हमने उनको होस्ट किया। इसी तरह हम भी जब जाते हैं उनके घरों में तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही मकसद है कि म्यूज़िक कनेक्ट करे एक ब्रिज के तौर पे, और जो बाकी सियासी दूरियां हैं या कोई भी मजहबी दूरियां हैं वो आर्ट पे उनका असर ना हो जाए। जबकि गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क के तहत काम करना चाहिए, एक मैकेनिज्म क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी तक तो हम सब कहते हैं कि हम कल्चर पे बहुत काम करते हैं, लेकिन अभी तक यू आर राइट जब आपने कहा था कि एक कल्चरल पॉलिसी भी हम तरतीब नहीं दे पाए। तो एक मुनज्जम तरीके में काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक कैलेंडर होना चाहिए कि हर साल क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या फेस्टिवल्स होंगे और किस आर्टिस्ट को कितना ड्यू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेंडिंग वेरी फ्यू आर्टिस्ट इन द अदर कंट्रीज, लेकिन अभी हमने एक मीटिंग की, ICCR के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका को यहाँ आए, आर्टिस्ट से मीटिंग की और कह रहे थे कि हम यहाँ के लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं और बाहर के लोगों को भी यहाँ लाएंगे। कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, जब तक कल्चरल एक्सचेंज ना हो तो तब तक हम कैसे पता चलेगा कि बाहर का आर्ट कितना रिच है और हमारा आर्ट कहाँ कहाँ फैल सकता है। हालात जो भी हों, आर्ट कल्चर के लिए हमेशा हालात साजगार होने चाहिए, और मुझे बेहद खुशी है कि पिछले एक दो साल में एक रिवाइवल के तौर पे ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एकेडमी या बाकी जो अदारे हैं अपना काम कर रहे हैं। आर्टिस्टों को यहाँ के काम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए और उनको टैलेंट की सराहने की ज़रूरत है। हर बार जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है जहाँ पे आप अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, अपनी ज़ुबान को प्रमोट कर रहे हो, ये एक आर्टिस्ट के लिए एक फ़ख्र की बात होती है, और ऐसे जितनी चाहे हो उतने कम है। बिकॉज मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और काफ़ी लालची हूँ इस मामले में कि जितने ज़्यादा ऐसे इवेंट्स हो अच्छी बात है। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। मैम, क्या कल्चर को फॉलो देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए या आगे भी इस तरह की कोशिश होंगी? ऑफ कोर्स, इवन मोर विद मोर फोर्स एंड पावर। ये तो चलो ठीक है, ये तो वही जिलानी साहब को आई वुड वांट टू कांग्रेचुलेट, बट आई थिंक ऐसे और ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए, प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए और अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। मैम, इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम से लोग सो आज हमारी कॉन्फ्रेंस भी थी इसी हवाले से कि म्यूज़िक किस तरह ब्रिज करता है कम्युनिटीज़ और रीजन्स को,
डेफिनेटली आई थिंक मुझे उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. वी ऑल नो म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज एंड इट कनेक्ट्स पीपल रीजन्स कम्युनिटीज एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो कनेक्ट्स जनरेशन्स. इट्स नॉट जस्ट कम्युनिटीज एंड रीजन्स. ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाता है और हमारी जैसे आगे वाली आने वाली जनरेशन हैं वो भी अपने कल्चर से और ज़ुबान से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इन अ ब्यूटिफुल वे बाय म्यूज़िक. मैं बुनियादी तौर पर एक लिसानी रज़ाकार हूँ, फिक्शन लिखता हूँ. कश्मीरी ज़ुबान और अदब की तरवीज के लिए हम काम करते हैं. मुझे ये बात कहने में और उसका एतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं है कि हमारे यहाँ कश्मीरी शायरी को खसूसियत के साथ प्रमोट करने में म्यूज़िक का एज एन इंस्टीट्यूशन जो कंट्रीब्यूशन है वो उससे ज़्यादा है जितना खुद शोरा और अदीबों ने किया है. क्योंकि ये म्यूज़िक के मीडियम के ज़रिए इन्होंने कश्मीरी शायरी को घर घर पहुँचाया है और एक शऊर पैदा किया है लोगों में, एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन डेवलप किया है टुवर्ड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स एज वेल एज पोएट्री. तो उसके लिए इसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है. अभी कल्चरल अकादमी जिस किस्म की प्रोग्राम्स कर रही है जिसका एक हिस्सा ये शशरंग फेस्टिवल भी और भी बहुत कुछ है अभी पाइप लाइन में, मुझे लगता है कि बड़े समय के बाद का कई साल के बाद उसमें बीच में कोरोना वगैरह का भी एक पीरियड रहा, एक रिवाइब्रेट हो रहा है सारा मामला और इसको एक बड़ा पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है और इससे एक पॉजिटिव एनर्जी हासिल करके आगे काम करना पड़ेगा. देखिए जो बेसिकली कोविड पीरियड था, कोविड में लोगों को घरों में ही बैठना पड़ा तो एक्टिविटी जो थी जो लाइफ थी पूरी थम सी गई थी उस टाइम. तो उसके बाद जो 19 के बाद फिर 20 आया, कोविड आया और भी बहुत सारे रीजंस थे कि जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही थी और पर्टिकुलरली जो कल्चर ये डिपार्टमेंट था तो कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही थी. इवन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनमें जो एक्टिविटीज़ होती थी वो भी नहीं हो पा रही थी और बहुत कम हो रही थी. लेकिन अब ऐसा दौर आ रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी रिसेंटली जो मैं सिपिक में के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ एडवाइज़र एंड स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, सो मैंने श्रुति अमृत यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में रिसेंटली जून मई में किया, मई जून में. तो उसमें हमने कर्नाटक से भी आर्टिस्ट लाए थे और नॉर्थ से भी आर्टिस्ट लाए थे. तो बच्चों में जो एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें एक ऐसा एंथुसियाज्म क्रिएट हो गया कि वो इस कल्चर की ओर रागिब होने लगे. तो एक चेंज आ रही है. बीइंग एज एकेडमिशियन मैं आपको ये बताऊं कि जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सो उसमें जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक को बड़ी तरजीह दी गई है. अगर हम देखेंगे म्यूज़िक इज़ लिंक्ड विद मैथमेटिक्स, म्यूज़िक इज़ लिंक्ड विद फिज़िक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स. सो मल्टी डिसप्लिनरी में भी हमारे बच्चे अब म्यूज़िक ले रहे हैं. सो उसके बगैर और स्किल है, स्किल कोर्स भी बच्चे ले रहे हैं. तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी के जो बच्चे हमारे थे ड्रग्स की ओर जा रहे थे तो ड्रग एडिक्शन के सेंटर्स भी खुले हैं. तो बहुत ये एक ऐसी अनफॉर्चुनेट थिंग है कि हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं. सो मैं इवन आई एम पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, मैं उस कमेटी एंड क्वाड का मेंबर भी हूँ. लेकिन बहुत सारी कोशिशें वहाँ भी हम कर रहे हैं और थ्रूआउट जो है मुझे लगता है कि म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स है, इससे ये ड्रग्स जो है ये बिल्कुल दूर हो जाएंगे. इससे एक चीज़ है लेकिन बट एक चीज़ है जो यूटी ऑफ J&K है तो अभी यूटी ऑफ J&K में भी ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत हो रही है. आप देख लीजिए जैसे अभी फंक्शन, वो कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन कल्चरल इवेंट किसी न किसी जगह पर होता रहता है.